हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड जी के बाई एम के पर। आज की क्लास में हम करेंगे भारत का परिवहन। तो परिवहन के बारे में हमने पिछली क्लास में बताया था कि परिवहन क्या है, ठीक है भाई। परिवहन की डेफिनेशन बताई थी कि परिवहन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं, वो है परिवहन। परिवहन को तीन पार्टों में डिवाइड किया था, जलीय परिवहन, स्थलीय परिवहन और वायु परिवहन, ठीक है भाई। और हमने जो रेलगाड़ी के बारे में कल पढ़ा था कि रेलवे लाइन है उसकी चौड़ाई कितनी है, तो अगर आप में से किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भारतीय रेलवे है, उसके बाद जो थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा वो कम्प्लीट करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम भारतीय रेलवे के जोन, क्या करेंगे भारतीय रेलवे जोन, ठीक है भाई। सबसे पहले करेंगे हम भारतीय रेलवे जोन। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भारत जो भारतीय रेलवे है उसके कितने जोन है, तो इसके 18 जोन है भाई, ठीक है। सबसे नया जोन कौन सा है, सबसे नया जोन है भाई जो सबसे पहले जोन बना था, ये बना था 1950 से 1951 में, कहां बना था भाई, ये दक्षिण में बना था भाई, दक्षिण रेलवे जोन बना था, ठीक है भाई, दक्षिण रेलवे जोन। रेलवे जोन ये जोन कहां बना था, सबसे पहले ये बना था चेन्नई में, ठीक है भाई। दक्षिण रेलवे जोन कहां बना था, चेन्नई में बना था। और रेलवे जोन को हम आसानी से समझने के लिए हम थोड़ा मैप का सहायता लेंगे भाई, मैप के सहारे से करेंगे कार्य। सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, तभी हमें दोनों का पता चलेगा। रीजनिंग में भी की हमने, ये भाई हमारी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, पूर्व पश्चिम, ठीक है भाई। और ये पार्ट हो गया भाई हमारा, ठीक है भाई, देखो भाई ये जो हमारा पार्ट है इसलिए तो है उत्तर, ये हिस्सा ऊपर की तरफ, ये तो उत्तर कहलाएगा, और जो नीचे वाला है ये कहलाएगा दक्षिण, जो इस तरफ का है ये कहलाएगा पूर्व, ये कहलाएगा पश्चिम, ठीक है। दिशा का पता हमें चल गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो स्थान है इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है भाई। ये स्थान कहलाएगा कौन सा, उत्तर पूर्व। और जो पूर्व दक्षिण के बीच में स्थान है ये कहलाएगा पूर्व दक्षिण, ये स्थान कहलाएगा भाई पूर्व दक्षिण। पश्चिम दक्षिण के बीच में जो स्थान है ये स्थान कहलाएगा भाई पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, ठीक है भाई। और पश्चिम उत्तर के बीच में जो स्थान है वो कहलाएगा पश्चिम उत्तर, ठीक है भाई। ये दिशाएं हमने डिवाइड कर दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन दोनों के बीच में जो दिशा हुई होगी उत्तर पूर्व, ये होगी पूर्व दक्षिण, इन दोनों के बीच में ये होगी दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में ये होगी पश्चिम उत्तर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखो उत्तर में रेलवे जोन कौन सा भाई, उत्तर में है दिल्ली, उत्तर में दिल्ली रेलवे जोन है। दक्षिण में हमने पढ़ा था सबसे पहले दक्षिण में रेलवे जोन बना था जिसका नाम है चेन्नई, ठीक है भाई। पूर्व में रेलवे जोन है जिसका नाम है कोलकाता, पश्चिम में रेलवे जोन है जिसका नाम है मुंबई, ठीक है भाई। जो सेंटर में रेलवे जोन है इसका नाम भी क्या है, मुंबई, मुंबई रेलवे जोन, हो गया भाई। अब
जो उत्तर पूर्व के बीच में, जो उत्तर पूर्व के बीच में है, यहाँ पर जो रेलवे जोन है इसका नाम क्या है अभी, गोरखपुर, गोरखपुर रेलवे जोन। ठीक है भाई, जो पूर्व दक्षिण के बीच में है इसका भी नाम क्या है, कोलकाता। ठीक है, ये वाला पूर्व वाला भी कोलकाता है और ये पूर्व दक्षिण वाला भी कोलकाता है। अब है मुंबई दक्षिण के, सॉरी भाई, पश्चिम दक्षिण के बीच में जो रेलवे जोन है उसका नाम है हुबली, इसका नाम है भी हुबली। हुबली ये कहां पर है, ये कर्नाटक में। ठीक है भाई, अब है दिल्ली और मुंबई, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो उत्तर पूर्व दिशा में जो रेलवे जोन है उसका नाम है, इसका नाम है भाई मुंबई। इसका नाम है भाई जबलपुर, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका नाम है जयपुर, जबलपुर होगा यहां पर, ये यहां पर जो रेलवे जोन होगा वो होगा जबलपुर। ठीक है भाई, उत्तर में रेलवे जोन दिल्ली, दक्षिण में रेलवे जोन चेन्नई, पूर्व में रेलवे जोन कोलकाता, पश्चिम में रेलवे जोन मुंबई, उत्तर पूर्व में रेलवे जोन गोरखपुर, पूर्व दक्षिण में रेलवे जोन कोलकाता, दक्षिण पश्चिम में रेलवे जोन हुबली कर्नाटक, और पश्चिम उत्तर में रेलवे जोन जयपुर। ठीक है भाई, अब है अगला पॉइंट, उत्तर और जो ये सेंटर और इसके मुंबई के और दिल्ली के बीच में जो रेलवे जोन है यहाँ पर, इस रेलवे जोन का नाम क्या है भाई, इस रेलवे जोन का नाम है प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है भाई, इस रेलवे जोन का नाम है प्रयागराज। और जो मुंबई के और कोलकाता के बीच में यहां पर जो ए यहां पर जो रेलवे जोन है उसका नाम है हाजीपुर, हाजीपुर रेलवे जोन। ठीक है भाई, और अब ये मुंबई और कोलकाता के मध्य जो सेंटर में जो रेलवे जोन है, इस रेलवे जोन का नाम है, इसका नाम है भाई बिलासपुर। ठीक है भाई, इस रेलवे जोन का क्या नाम है, बिलासपुर। अब है मुंबई और चेन्नई के बीच में जो रेलवे जोन है इसका नाम है सिकंदराबाद, इसका नाम अभी सिकंदराबाद। ठीक है भाई, इसका नाम है सिकंदराबाद। और एक रेलवे जोन है भाई मुंबई के और पश्चिम के बीच में यहां पर जबलपुर। ठीक है भाई, जबलपुर हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे मैप के द्वारा समझने वाले जितने भी महत्वपूर्ण है वे समझ लिए है। उत्तर में जो रेलवे जोन है उसका नाम है दिल्ली, दक्षिण वाले का नाम है चेन्नई, ठीक है, और पूर्व वाले का कोलकाता, पश्चिम वाले का मुंबई, उत्तर पश्चिम में जो रेलवे है जोन है उसका नाम जयपुर, दक्षिण पश्चिम में जो रेलवे जोन है उसका नाम है हुबली कर्नाटक, ठीक है, और जो पूर्व दक्षिण में उसका नाम है कोलकाता, जो उत्तर पूर्व में है इसका नाम है गोरखपुर। जो उत्तर रेलवे जोन है और मध्य रेलवे जोन है इसके बीच में जो रेलवे जोन उसका नाम है प्रयागराज, जो मुंबई केंद्र रेलवे जोन है और पूर्व रेलवे जोन है इसके बीच में है हाजीपुर, और जो सेंट्रल रेलवे जोन है और जो पूर्व दक्षिण रेलवे जोन है उसका नाम, उसके बीच में जो रेलवे जोन उसका नाम है बिलासपुर, और जो केंद्र में रेलवे जोन है सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई और दक्षिण रेलवे जोन चेन्नई, इसके बीच में जो रेलवे जोन है उसका नाम है सिकंदराबाद। अब इसके बाद हम कुछ और रेलवे जोन देखते हैं जो इस मैप पे यहाँ पर तो समझाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं भाई, अगर मैप से भी देखो तो वो भी समझा देंगे भी। ठीक है, एक है
कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, ये भाई कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन ये कहां पर है? कोलकाता में भी, ठीक है। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन के नाम से बनाया गया एक जोन जो कहां पर है? कोलकाता में। अगला रेलवे जोन है जिसका नाम है भाई उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, इसका नाम है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन, जिसका नाम है भाई जो कहां पर है? गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम, गुवाहाटी कहां पर है? असम में, ठीक है भाई, गुवाहाटी असम में, कोलकाता में हो गया। अब अगला है पूर्व तटीय रेलवे जोन, ये अगला रेलवे जोन है जिसका नाम है पूर्व तटीय रेलवे जोन, पूर्व तटीय रेलवे जोन जिसका नाम क्या है? भुवनेश्वर, जो किस स्थान पर भाई? ये है भुवनेश्वर, ठीक है। और अगला है भाई दक्षिण तटीय रेलवे जोन, अगला क्वेश्चन है दक्षिण तटीय रेलवे जोन ये कहां पर है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन ये है भाई विशाखापट्टनम, या विशाखापट्टनम में हुई दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, ठीक है भाई। ये हमारे रेलवे जोन है, अगर आप इन्हें मैप से समझना चाहो तो ये हम एक छोटा मैप बनाते हैं अपने प्यारे भारत देश का, ये इस प्रकार से ये है हमारा मैप, ये भाई हमारा प्यारा भारत देश का मैप, ठीक है भाई। ये भी भारत का मैप है जो हमने समझने के पर्पज से बनाया है, तो इस हिसाब से रेलवे लाइन फैली हुई है, ये है उत्तर, ये है पूर्व। जो उत्तर में रेलवे जोन है, जो रेलवे जोन यहाँ पर उत्तर में है, उस रेलवे जोन का नाम है दिल्ली रेलवे जोन। जो रेलवे जोन यहाँ पर दक्षिण में है, उसका नाम है चेन्नई रेलवे जोन, ठीक है भाई। अब हमारी रेलवे लाइन पश्चिम से पूर्व की तरफ भी फैली हुई है, इस प्रकार फैली हुई है भाई, ठीक है। तो एक रेलवे जोन है यहाँ पर पूर्व में पड़ता है, जो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम क्या भाई? कोलकाता। ये रेलवे जोन है पूर्व में जिसका नाम है कोलकाता, और ये पश्चिम में जो रेलवे जोन है इसका नाम है मुंबई रेलवे जोन, ये यहाँ बना रखा भाई ये रेलवे जोन, ये मुंबई रेलवे जोन यहाँ पर है, हो गया। और जो सेंट्रल रेलवे जोन है ये भी यहाँ पर महाराष्ट्र में बना रखे है, इस पर कर ले रेलवे लाइन जरिए यहाँ महाराष्ट्र में है मुंबई रेलवे जोन, हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर यूपी में गोरखपुर रेलवे जोन, और यहाँ पर कोलकाता रेलवे जोन, इस हिसाब से रेलवे लाइन हमारे पूरे देश में यहाँ पर इस हिसाब से फैली हुई है भाई, ठीक है। तो इस हिसाब से रेलवे जोन बना रखे हैं, ठीक है भाई। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, जो ये है कि जो मैत्री बंधन एक्सप्रेस ट्रेन है, वे किन दो देशों के बीच में चलती है भाई?
यह ट्रेन चलती है भारत व बांग्लादेश के बीच में। ठीक है भाई, मैत्री बंधन ट्रेन किन दो देशों के बीच में चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। एक अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की सबसे तेज गति वाली, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तेज चलने वाली ट्रेन, इसका नाम है भाई वंदे भारत। वंदे भारत, ये वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक जाती है? ये जाती है भाई जम्मू, जम्मू से वाराणसी, जम्मू से वाराणसी तक जाती है। अब एक अगला क्वेश्चन बढ़ता है, जो ये वंदे भारत ट्रेन है इसका पहले क्या नाम था, पुराना नाम क्या था? इसका नाम था भाई ट्रेन 18, इसका पुराना नाम था। ठीक है भाई, जो रेलवे जो थे हमारे महत्वपूर्ण सारे हमने कंप्लीट कवर कर लिए भाई इसमें। ठीक है, अब हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे जो है भाई बंदरगाह का। एक मिनट देखो, इसे कॉपी करो। अब करेंगे भाई बंदरगाह। अब हमारा अगला टॉपिक है भाई बंदरगाह। बंदरगाह सबसे पहले देखो कि बंदरगाह किसे कहते हैं या बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह ऐसा जलीय, बंदरगाह एक ऐसा तटीय क्षेत्र, सॉरी भाई तटीय है, तटीय क्षेत्र जहां से जलीय व्यापार का संचालन होता है। जिस प्रकार की ये तटीय बंदरगाह एक ऐसा तटीय क्षेत्र है, ये है भाई वो तटीय क्षेत्र जहां से जलीय व्यापार होता है। तो जलीय व्यापार होगा तो इस तटीय क्षेत्र के किनारे ये समुद्र है भाई, जिसे हम हिंद महासागर है भाई अपना। ठीक है, ये है भाई हिंद महासागर। ठीक है, तो बंदरगाह डेफिनेशन में ऐसा तटीय क्षेत्र जहां से जलीय व्यापार का संचालन होता है। तो ये हो गया भाई बंदरगाह। जो बंदरगाह, इंपॉर्टेंट पॉइंट यो है कि जो बंदरगाह अपने आप प्राकृतिक रूप से चट्टानों से या पर्वत उभर कर कोई उभरी हुई भूमि बन जाए। ठीक है, समुद्र से उभरी हुई किनारे पर जो भूमि बन जाए उसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बंदरगाह। अब क्वेश्चन बढ़ता है, अगर प्राकृतिक रूप से जो उभरी हुई भूमि बनी है ऑटोमेटिक अपने आप, तो इस भूमि को क्या कहेंगे, प्राकृतिक। समुद्र के किनारे जो प्राकृतिक बंदरगाह कहलाएगा, जो अपने आप चट्टानों से बना हुआ, और जिस बंदरगाह का उपयोग हम व्यापार के माध्यम से या व्यापार करने के पर्पज से हमारी सुविधा को देखते हुए करेंगे, कृत्रिम रूप से जो हम सीमेंट कंक्रीट से बनाएंगे, इस प्रकार की ये बंदरगाह बना दिया भाई हमने। ठीक है, तो ये बंदरगाह जो मानव निर्मित होगा वो कैसा कहलाएगा, अभी ये कृत्रिम बंदरगाह कहलाएगा। ठीक है भाई, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया कि बंदरगाह है वो कितने प्रकार का होता है। तो बंदरगाह दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक जो पहले से बना हुआ हो,
प्रकृति द्वारा अपने आप निर्मित हो। एक ऐसा बंदरगाह जो हम अपने व्यापार के पर्पज से सुविधाओं के लिए मनुष्य द्वारा बनाया गया, वो कहलाएगा कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है भाई, अब देखो आगे अगला मिटो दे। अब देखो बंदरगाह कौन कौन सी है मैप से समझेंगे भाई। हम एक मैप बनाते हैं भारत का, ठीक है, ये है अपना रफा मैप। ये है भाई अपना भारत का मैप, ठीक है, समझने के लिए रफा मैप बनाया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बंदरगाह है गुजरात में जिसका नाम है भाई कांडला, ठीक है भाई, कांडला बंदरगाह। उससे नीचे चलेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का नाम है मुंबई, ठीक है भाई। इससे नीचे चलेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम रखा है भाई हमने नेहरू बंदरगाह, नेहरू, ठीक है। इससे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम रखा भाई हमने मोरमुगुआ, एक बंदरगाह नाम है मोरमुगुआ बंदरगाह। इसके बाद एक बंदरगाह है इससे नीचे जिसका नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जिसका नाम क्या है भाई न्यू मैंगलोर बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह है। इससे और नीचे चलेंगे यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोची, कोची बंदरगाह। तो जमा गया भाई, पश्चिमी तट पर जो मुख्य बंदरगाह थे वो हमने मैप पर बना दिए हैं। अब देखेंगे हम पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है मैप से, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन, तुतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है। और इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ठीक है। इससे और ऊपर चलेंगे तो एक बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप, इस बंदरगाह नाम है भाई पारादीप बंदरगाह, ठीक है भाई। इससे और ऊपर चलेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया, हल्दिया बंदरगाह। इससे ऊपर यहाँ चलेंगे हम यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह। हमारे भारत के जितने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बंदरगाह है वो हमने मैप से बना लिए हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बंदरगाह होंगे उन्हें भी हम क्लास में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है भी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कांडला बंदरगाह, सबसे पहले कौन सा देखेंगे भी कांडला, कांडला बंदरगाह। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कांडला बंदरगाह कहां पर है, किस राज्य में है। तो ये कांडला बंदरगाह कहां पर है, ये है भाई गुजरात में, ठीक है भाई। कांडला बंदरगाह कहां पर है, गुजरात में है। यह बंदरगाह बनाने का पर्पज क्या था, इस बंदरगाह को बनाने का पर्पज यह था कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो सारा व्यापार जो बंदरगाह पाकिस्तान में था उसके साथ व्यापार हुआ करता था,
लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तो भारत को भी एक व्यापार के माध्यम व्यापार के लिए एक बंदरगाह की जरूरत पड़ी, इसलिए हमें गुजरात के साथ ज्यादा व्यापार होता है, गुजरात से आदान प्रदान होता है सामान का दूसरे देशों से, तो कांडला बंदरगाह बनाने की जरूरत पड़ी गुजरात में विभाजन के बाद, विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कांडला बंदरगाह है, इससे व्यापार किस चीज का किया जाता था? तो व्यापार एक तो रेशम का व्यापार किया जाता था भाई इस बंदरगाह से, और आज भी किया जाता है रेशम का व्यापार किया जाता है, जो विद्युत के जितने भी सामान विद्युत उपकरण और पेट्रोलियम, ठीक है भाई, इनका व्यापार किया जाता है इस बंदरगाह से। और एक इसका नाम कांडला बंदरगाह का नया नाम रखा गया भाई दीनदयाल, इसका नाम है भाई दीन दयाल उपाध्याय, उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है, इस बंदरगाह को विभाजन के बाद बनाया गया था, व्यापार रेशम विद्युत उपकरण और पेट्रोलियम का व्यापार किया जाता है, और ये दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम रखा गया, हो गया। इसके बाद कौन सा बंदरगाह है? इसके बाद है मुंबई बंदरगाह। अब देखो मुंबई, मुंबई बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह कहां पर है? मुंबई बंदरगाह है भाई मुंबई में, ठीक है। मुंबई बंदरगाह कहां पर है? मुंबई में है, और ये बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह भाई, व्यस्त बंदरगाह है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो ये व्यस्त है और सबसे बड़ा है व्यापार की उससे, ठीक है भाई। व्यस्त बंदरगाह, ये व्यस्त वे बड़ा बंदरगाह है भाई, ठीक है। जो मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह, क्योंकि इस बंदरगाह से ही सबसे ज्यादा व्यापार होता है, ठीक है भाई। और इस बंदरगाह से किस प्रकार का व्यापार होता है? कृषि उत्पादक, कृषि उत्पादक व्यापार होता है, कृषि से रिलेटेड व्यापार होता है, ठीक है। इसलिए इस बंदरगाह को कृषि बाजार का प्रवेश, इस बंदरगाह को भारत का कृषि व्यापार का, या इस बंदरगाह को भारत का कृषि व्यापार कह लो या कृषि बाजार कह लो, का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है भाई। क्योंकि कृषि के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश में अनाज भेजना है, चावल भेजने हैं, या वहां से कुछ मंगाना है, तो सभी इस बंदरगाह से ही होते हैं, इसलिए इसे कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है भाई। इस बंदरगाह से व्यापार और किस चीज का होता है? व्यापार इससे विद्युत उपकरण, इस बंदरगाह पर विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम का व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, ठीक है भाई। इस बंदरगाह के कार्य भार को कम करने के लिए एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम क्या है भाई? नेहरू बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, क्योंकि इस पर व्यापार का लोड ज्यादा था, सबसे व्यस्त बंदरगाह है, इसके लोड को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नेहरू बंदरगाह। अब ये देखो एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर करेंगे हम नेहरू बंदरगाह। थोड़ा पानी लेते हैं, ठीक है भाई।
हो गया। अब अगला बंदरगाह करेंगे हम नेहरू बंदरगाह। अगला बंदरगाह भाई नेहरू बंदरगाह। नेहरू बंदरगाह ठीक है भाई। टॉपिक चले हमारा बंदरगाह है ठीक है भाई। बंदरगाह टॉपिक चल रहा है तो नेहरू बंदरगाह है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पहला पॉइंट यही बनता है कि नेहरू बंदरगाह है ये कहां पर है। ये बंदरगाह एक महाराष्ट्र के एक गांव में है जिस गांव का नाम क्या है अभी नहावा सेवा। नहावा सेवा गांव में ये बंदरगाह है और ये बंदरगाह कहां पर है महाराष्ट्र में ठीक है भाई। महाराष्ट्र में ये बंदरगाह है इसी के इस कारण ही इस बंदरगाह को नहावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है ठीक है भाई। नेहरू बंदरगाह को ही नहावा सेवा बंदरगाह कहा जाता है और यही बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह भाई ठीक है। कृत्रिम बंदरगाह है मानव निर्मित बंदरगाह है इसे मुंबई बंदरगाह पर जो व्यापार का लोड है उसे कम करने के लिए ये बंदरगाह बनाया गया था भाई ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पूर्ण रूप से पूर्णतः है कंप्यूटराइज पोर्ट या बंदरगाह कौन सा है तो नेहरू बंदरगाह या नहावा सेवा बंदरगाह पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो भाई हमने कांडला बंदरगाह कंप्लीट कर लिया, मुंबई बंदरगाह कंप्लीट कर लिया और नेहरू बंदरगाह कंप्लीट कर लिया। अब हम अगला करेंगे मोरगोवा बंदरगाह। मोर मा है भाई ये मोरगोवा मोर मा ठीक है मोरमा गोवा। अब अगला बंदरगाह भाई मोरमा गोवा। मोरमा गोवा बंदरगाह ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये पहला पॉइंट यही है कि ये मोरमा गोवा बंदरगाह ये कहां पर है तो ये बंदरगाह गोवा में है। ये बंदरगाह कहां पर है गोवा में मांडोवी नदी के पास है भाई। गोवा में एक मांडोवी नदी है इस मांडोवी नदी के पास ही ये बंदरगाह है ठीक है। कहां पर है ये गोवा में ही है और इस बंदरगाह से व्यापार किस किस चीज का होता है व्यापार ठीक है भाई। एक तो यहां से व्यापार होता है पान के पत्तों का पान के पत्ते। दूसरा व्यापार होता है भाई यहां से मछली का ठीक है भाई मछली का। और तीसरा व्यापार होता है यहां से नारियल का ठीक है भाई। यहां से तीन व्यापार होते हैं हो गया भाई। तो देखो मोरमा गोवा बंदरगाह गोवा में है मांडोवी नदी के पास है व्यापार पान का मछली नारियल का ठीक है भाई। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है नेहरू बंदरगाह और पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज बंदरगाह है तो मोरमा गोवा बंदरगाह भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अगला बंदरगाह है न्यू मैंगलोर। अगला बंदरगाह है भाई न्यू मैंगलोर बंदरगाह ठीक है भाई। न्यू मैंगलोर बंदरगाह न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह है ये बंदरगाह कहां पर है ये बंदरगाह भी कर्नाटक में ठीक है भाई। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहां पर है कर्नाटक में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई कर्नाटक में एक कुंद्रेमुख पर्वत है भाई। इस कुंद्रेमुख पर्वत से लोहा एस्क निकलता है लोहा एस्क निकलता है
क्योंकि कर्नाटक में एक कुंद्रीमुख पर्वत है, यहाँ से लोहा ऐसे निकलता है और इस लोहे को अलग किया जाता है। सबसे ज्यादा लोहा दो क्षेत्रों से निकलता है, झारखंड के एरिए से, छोटा नागपुर के पठार से और यहाँ से निकलता है अभी, ठीक है। और एक पॉइंट ये बन जाता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा लोहे का व्यापार होता है, लोहा का एक्सपोर्ट होता है कि लोहा दूसरे देशों में भेजा जाता है। और किस देश में लोहा भेजा जाता है सबसे ज्यादा? जापान में, ठीक है भाई। जापान के साथ इसका लोहे का व्यापार होता है इस बंदरगाह से सबसे ज्यादा। और ये बंदरगाह कर्नाटक में है, कुंद्रीमुख पर्वत से लोहा ऐसे निकलता है। सबसे ज्यादा लोहे का एक्सपोर्ट जापान में होता है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भी हो गया अभी हमारा। अब हमारा अगला बंदरगाह कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि ये कोची बंदरगाह है ये किस राज्य में है। तो ये कोची बंदरगाह ये कहां पर है? केरल में है। और आप जानते हैं जो केरल है किस चीज के लिए फेमस है? मसालों के लिए फेमस है। इस कारण इस बंदरगाह से जो व्यापार होता है वो किसका होता है? मसालों का व्यापार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है वही होगी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा मसालों का व्यापार केरल से ही होता है। तो आज की क्लास में हमने पूर्व के जितने भी पश्चिम के जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो कर लिए कंप्लीट। और जो पूर्व बंदरगाह है, पूर्व तटीय मैदान पर जो बंदरगाह, तट पर जो बंदरगाह है उनको करेंगे हम कल की क्लास में, ठीक है भाई। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां से जो समुद्र तल की वो मापते हैं ना भाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, ठीक है, तो वो कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, ठीक है भाई। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।